हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। मार भाई, राम राम। क्या हाल है? न्यूज मुझे भी मिली भाई। विनेश फोगाट को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है पेरिस ओलंपिक से। बहुत दुखद, बहुत चौंकाने वाली न्यूज़ थी, स्पेशली जो एथलीट हैं। बिकॉज हम लोग ने सब ने मैच देखा था कल शाम को, और बड़े एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे हम लोग कि भैया छोरी हमारी भिवानी की और मेडल लेके आएगी। और विनेश फोगाट की जो स्टोरी है बहुत इंस्पायरिंग है। बहुत सारी चीज़ें की है उसने लाइफ में, बहुत सारे दुख दर्द झेले हैं, और इस तरह ओलंपिक से बाहर करना यार, दैट्स नॉट गुड और वाजिब नहीं है। बिकॉज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बिकॉज हम जो वेट होते हैं हमारे, जैसे बॉक्सिंग में हम वेट कम कर देते हैं बहुत सारे, तो 5 किलो लाइक एक रात में हम कम कर सकते, 5 से 6 kg। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, और हम कर सकते हैं। लेकिन उसको तो मालूम था कि ओलंपिक में उसने वर्ल्ड नंबर वन के है उसको हरा दिया था, वर्ल्ड चैम्पियन को हरा दिया था। और लेकिन उसको उसको मालूम नेक्स्ट डे जिसको उसके जिसका मैच उसके उसको हरा देगी आसानी से। लेकिन बाद में उसने के वेट के ऊपर उसको डिस्क्वालीफाई करना। चलो ठीक है, अभी फाइनल नहीं हुआ तो सिल्वर तो मिलना चाहिए लड़की को, है सिल्वर तो मिलना चाहिए। बताऊँ आपको, बिकॉज एक ट्रायल वेट के लिए मशीन होती है वहाँ पे प्रॉपर, फाइनल वेट की अलग मशीन होती है। तो हम जैसे एथलीट जाते हैं, जैसे मैंने ओलंपिक्स 3 ओलंपिक्स में हमने पार्टिसिपेट किया, तो पहले हम ट्रायल वेट के लिए जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं कि मेरा वेट कितना है। सपोज मेरा 1 kg अप है, तो हम उसके बाद ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, और उसके बाद सपोज 100 ग्राम रह गया, तो दोबारा से हम जो जो ट्रायल वेट मशीन होती है उसके ऊपर जाके चेक करते हैं दोबारा। उसके बाद हम कहते हैं कि फाइनल वेट के लिए जाते हैं। तो अगर और वो तो बेचारी बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन आ, आ, कैसे कब क्यों मुझे नहीं मालूम। मैं और बहुत बड़ी साजिश है ऑफ कोर्स हिंदुस्तान के खिलाफ ये, और निशान देव के साथ देख लीजिए, बेचारा लड़का जीता जाता है, वो उसको हरा दिया जाता है। और ये तो लड़की तो देख लो, अभी इतना उसके पास एक्सपीरियंस है 3 ओलंपिक का, और उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो भैया अभी लोग बोलते हैं कि लाइक उसने सोचा होगा, लाइक स्पेशली जर्नलिस्ट हैं वो बोलते हैं कि लाइक भाई सब खा लिया हुआ उसने, नो उसको लगा हुआ कि उसने, मेरी जो बात हुई थी उनसे। तो मैं क्या यार, हम लोग ना हमारी जो सबसे बड़ी वो होती है, हम हंगर और कहते प्यास को कंट्रोल कर लेते हैं, हम इतने एथलीट इतना आसानी से नहीं बनते। तो इसको हम सबसे पहले फाइट होने के बाद रिकवरी की तरफ जाते हैं कि हमें आइस बात मिले, हमें फिजियो मिले, हमें मसाज मिले, तो हम उसकी तरफ जाते हैं, ना कि बजाय खाने के। मुझे मालूम है कि कल मैं ओलंपिक के फाइनल में हूँ, तो मैं क्यों खाने की तरफ जाऊँगा यार। तो भैया दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें कहीं ना कहीं। टीम कौन थी, क्या थी, किसने वेट चेक किया, क्यों किया, अगर ज़्यादा था तो क्यों फाइनल वेट के लिए वो गई, तो दया कोई ना कोई तो गड़बड़ है। बहुत यार कहते कि लाइक दुख हुआ मैंने सुन के, बिकॉज लड़की को हमने देखा भाई, हमारे भिवानी की है छोरी, यार गांव उसका ज़्यादा दूर नहीं है हमारे से। तो कल उसके भाई से ही मेरी बात हुई थी, उसके भाई को मैंने बधाई दी, बेचारा अभी जैसे हमारा माहौल हुआ था ना मीडिया का, वैसा ही माहौल हो रखा था उनका। तो मैं कह भाई मैं समझ सकूँ हूँ, तो बिजी है मीडिया में, और उसके भाई को मैंने बधाई दी, मैं कह तू मैं चिंता ना कर, मैं छोरी अपनी जीत के लेकर आओगी। लेकिन
भाई बात सवेर में आड़ था कहीं गाड़ी लेके जान लग रहा था राम, एक पॉपअप आता है लाइक कि ऐसे ऐसे हो गया। मगर नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। उसके बाद तो भाई फोन ना की घंटी बजने लग गई। या तो ये होती है सब चीज़ें। और भाई 100 ग्राम वेट है तो बहुत सारी चीज़ें यार, स्वेटिंग सूट पहन के जिनको लोग लोग भी कहने लग रहे हैं लाइक सी एडमिट इन हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। ये तो बाद की बात होती है, सब चीज़ें बकवास होती हैं। कि ऑफ कोर्स अब उनको प्रूव भी तो करना है कि इसमें डिहाइड्रेशन की कमी बता देंगे अब तो उसकी बेचारी की। तो भाई दया गड़बड़ है कुछ तो आप भाई छोरी का साथ दो और उसको सपोर्ट करो। दैट्स इट, हम तो यही चाहूँ भाई। मारे हरियाणा की है, बहने की है, और वह छोरी बस मेडल तो भाई सिल्वर तो देखो ही रखा अभी तो, मेडल फाइनल में उसको नहीं करवा रहे पार्टिसिपेट, तो सिल्वर तो दो यार उस लड़की को। पर भाई अभी या अपना बेरा है कि वो है कैसे वो है। ठीक है ठीक है भाई, बाय बाय।